हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ इस वक्त गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे और आज मैं गुड़गांव से जयपुर जा रहा हूँ वंदे भारत में। और ये गुड़गांव से 6:51 पर आती है और 2 मिनट का स्टॉपेज है और आगे का मैं वॉक शूट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। और ये वंदे भारत आ रही गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त वंदे भारत गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे आ गई है और ये कुछ ऐसा इसका व्यू। वंदे भारत में जो दरवाजे होते हैं वो ऑटोमेटिक ओपन होते हैं और आपको बस आपके गेट के पास में खड़ा होना होता है। और इस तरह से ट्रेन का ये भी आपको पता हुआ। ये हमें आज यहाँ पर पहला ये मील टाइप का मिला है गुड़गांव टू जयपुर वंदे भारत में। और ये कुछ ऐसे पानी की बॉटल भी मिलती है और ये कुछ इस तरह से लगी हुई होती है फिर नीचे। और बर्गर है, शायद कचौड़ी टाइप का है, फ्रूट जूस है, ये कुछ मसाला चाय, कुछ है तो चीज़ें मिली हैं छोटी मोटी। तो चलिए वो नाश्ता करते हैं, देखते हैं। एक ये रेडीमेड चाय का कुछ पैकेट आया है और गर्म पानी आया है तो कम मैं चाय बनाता हूँ, देखता हूँ कि कैसी बनती है चाय, बताता हूँ आपको। जैसे मसाला मिलाने के बाद चाय में कुछ ऐसा कलर आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ कैसी बनती है चाय। कुछ चाय बनी है, चाय तो नॉर्मल आती है, वही बेटर है। सो एक और फीचर मैं बताता हूँ, ये है हैंड टच लाइट्स। प्रेस करना पड़ रहा है लाइट ऑन कर ऑफ। और इसमें आई थिंक CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। और ये वंदे भारत में हमारा खाना है और मैं जयपुर तक जा रहा हूँ। तकरीबन 8:30 पे ये खाना हमको दिया गया है, मैं उसमें देखते हैं क्या क्या है। इस वक्त मैं हूँ वंदे भारत के टॉयलेट में और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ टॉयलेट है इस तरह से, बहुत ही क्लीन टॉयलेट है। और यहाँ पर ये आपका रोल लगा हुआ है और फूड डिस्पेंसर भी है। हाँ, वीडियो ही बना रहा हूँ। और ये कुछ ओवन है यहाँ पे और ओवन है तो गर्म ही मिलता है आपको वंदे भारत में। इस तरह से ओवन लगाया हुआ है और ये हर डब्बे के बाहर मुझे बताया गया है, बहुत शानदार फैसिलिटी। और ये हमको अभी जो डिनर में दिया गया है एक पनीर की डिश है, ये राइस है और दाल दी गई है। सब पे ग्राम भी लिखे हुए हैं कितने कितने ग्राम है ये। और ये एक सॉल्ट है, पेपर है, पिकल है, कर्ड, रोटी, हैंड सैनिटाइजर और ये किट भी दिए जिसमें थे स्पून और टिश्यू। वंदे भारत में फूड ऑप्शनल है, इसमें आप एडिशनल पैसे दे करके फूड इंक्लूड करा सकते हैं। मुझे 2 फूड मिले, सबसे पहले ट्रेन में आते ही मुझे थोड़ी देर बाद ही ब्रेकफास्ट और फिर उसके कुछ देर बाद मुझे डिनर मिल गया है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। और आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, बाकी पानी वाटर बॉटल और न्यूज़पेपर भी मिल जाते हैं। कुछ इस तरह से पनीर की डिश दी गई है और पिकल, दो
पराठे आए हैं, तो सबसे पहले हम इनको टेस्ट करते हैं, फिर दाल बाटी लेते हैं। कुछ पनीर सी है बट ठीक है ओवरऑल टेस्ट। और ये चावल है, चावल भी पके हुए वो दही पहले का है ही, बट मुझे सिर्फ ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी छोटी सी सी जगह में इतना जो सामान है आपको मैनेज करना पड़ता है। अरे पेपर बैग साथ में देना चाहिए रेड पेपर, इसमें हम डालते हैं। डिनर की क्वालिटी ठीक ही थी और क्वांटिटी भी ओके ओके थी। अगर किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो उसके लिए थोड़ा सा कम रह सकता है। ट्रेन किस स्पीड से चल रही है ये अवेलेबल होता रहता है और ज़्यादा स्पीड से चलने की मुझे उम्मीद थी, लेकिन अभी ये एवरेज स्पीड 110 पे मेंटेन थी और जो स्टेशन आने वाले होते हैं वो भी मॉनिटर पे अवेलेबल होता है। इस वक्त मैं जयपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। ट्रेन 10:19 पर आई है तो ये करीबन 6-7 मिनट लेट है। और ये देखिए मैं, ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, बाहर से ट्रेन कुछ इस तरह से दिखती है और ये जस्ट मेरी सीट जहाँ पर मैं बैठा था।